इस क्लास में आज हम स्पीच राइटिंग लिखने के लिए बताएंगे कि स्पीच राइटिंग होता है क्या। बोथ एंड आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में बताए हैं, दोनों में अंतर देखेंगे। बोथ एंड आर्टिकल एंड ए स्पीच आर रिटेन ऑन ए सीरियस टॉपिक, सीरियस टॉपिक पर लिखा जाता है। से ए प्रॉब्लम, या तो अपना प्रॉब्लम बताइए, और एन इशू, मुद्दा क्या है, विषय वस्तु क्या है। बट ए स्पीच इज प्रिपेयर्ड, लेकिन स्पीच की जो तैयारी की जाती है विथ ए सपोजिशन, मान करके, दैट देयर इज ए स्पीकर, कि उसमें एक स्पीकर होगा, एंड द ऑडियंस, और साथ साथ दर्शक भी होंगे। इट इज एड्रेस्ड, इसको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है विथ सच एक्सप्रेशंस, इस एक्सप्रेशन के साथ, जैसे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, इटीसी। इस तरह से वो उसको जो है सो हेडलाइन दिया जाता है, हेडलाइन के बाद एड्रेस किया जाता है। एंड इट इज कंक्लूडेड विथ सच एक्सप्रेशन, और इसका जो कंक्लूजन हम करते हैं वो करते हैं थैंक यू से, और एड्रेस करते हैं रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, चीफ गेस्ट या प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इस ढंग से हम जो है सो एड्रेस करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, एक हम फॉर्मेट में इसको बताते हैं। जैसे फॉर्मेट में जो हेडिंग है उसको पहले दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डू चिल्ड्रेन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर टीचर, कि चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स जो हैं अपने शिक्षक से क्या उम्मीद करते हैं, शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह मुद्दा है। तो सबसे पहले इसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू द ऑडियंस, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज विथ यू अबाउट चिल्ड्रेंस एक्सपेक्टेशन, चिल्ड्रेंस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर टीचर्स, कि मैं अपना शेयर करना चाहूंगा अपने विचारों को कि बच्चों का एक्सपेक्टेशन शिक्षक के प्रति कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, अब अपने विचारों को इसके माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें चिल्ड्रन हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, चिल्ड्रन का जो एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है, बहुत हाई होता है, फ्रॉम देयर टीचर्स, अपने शिक्षकों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, दे वांट देयर टीचर्स, वे अपने शिक्षकों से क्या चाहते हैं, टू वियर गुड ड्रेस, कि एक अच्छा ड्रेस में आए, एंड लुक स्मार्ट, और देखने में भी स्मार्ट लगे। व्हेन टीचर्स इंटर क्लासरूम्स, जब शिक्षक जो है क्लासरूम में इंटर करें, तो दे शुड हैव ए स्माइलिंग ब्राइट फेसेस, उनका क्या होना चाहिए, ए स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ, और ब्राइट फेसेस, चेहरे पर लगे कि एक प्रकाश है। एंड द स्टर्न लुकिंग फेसेस, और वैसे शिक्षक जिनका स्टर्न, चेहरे पर कठोर कड़ापन जो है फेस होता है, टेक अवे चिल्ड्रंस एंथुसियाज्म, जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं चेहरे पर कड़ापन का भाव आता है, तो क्या होता है कि बच्चों का जो एंथुसियाज्म जो है, उत्साह, एंथुसियाज्म मींस उत्साह जो है स्टडी के प्रति, टेक अवे मतलब हटती चली जाती है। दे शुड ट्राई टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर, शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि उनको क्रिएट करना चाहिए कैसा एटमॉस्फेयर,
जो पढ़ाई के अनुकूल हो, राइट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर फॉर स्टडीज, स्टडीज के लिए वो अनुकूल परिस्थिति हो, देन चिल्ड्रन एक्सपेक्ट देयर टीचर्स, तब चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करते हैं अपने शिक्षकों से नॉट टू गिव देम कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि उन्हें कोई शारीरिक प्रताड़ना न दे। कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स शारीरिक दंड। दे वांट देम, वे लोग क्या चाहते हैं शिक्षकों से, टू यूज जेंटलमैनली वे, मतलब सज्जनता की तरह अपना जो है सो व्यवहार करें, टू करेक्ट देम, जो बच्चे कुछ भटक जाते हैं उनको सही करने के लिए। दे डू नॉट लाइक टू मच होमवर्क, और यह भी इच्छा होती है बच्चों को कि शिक्षक जो है उनको ओवर वर्क न दे। ओवर वर्क से क्या होता है कि नेचुरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हु गिव देम लाइट होमवर्क टू डू इन ऑर्डर टू नॉट स्पॉइल देयर इवनिंग। ये स्वाभाविक है कि स्टूडेंट जो है उस उन शिक्षकों को लाइक करते हैं जो उन्हें लाइट होमवर्क हल्का काम देते हैं करने के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि उनका शाम जो है वो बर्बाद ना हो। शाम में कहीं टहलते हैं, खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ गपशप करते हैं, वह समय बर्बाद ना हो। मोर ओवर, इसके अलावे, दे एक्सपेक्ट टीचर, वे लोग जो है अपने शिक्षकों से यह एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, टू बी जेंटिल, सज्जनता के साथ व्यवहार करें, एंड पोलाइट इन बिहेवियर, और व्यवहार में क्या हो, बहुत विनम्र हो। दे डिसलाइक रूडनेस इन देयर टीचर्स, जब शिक्षक का व्यवहार रूड हो जाता है, मतलब कठोरता से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, असभ्य होकर के व्यवहार शुरू करते हैं, तो वैसे टीचर को जो है सो स्टूडेंट जो है डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। इन शॉर्ट, तो हम सारांश में कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट देयर टीचर्स, कि स्टूडेंट जो है अपने शिक्षकों से यह उम्मीद करते हैं टू बी चीयरफुल, प्रसन्नचित चेहरा नजर आए, जेंटिल उनका भद्र व्यवहार हो, ऑनेस्ट ईमानदार हो, सिंपैथेटिक सहानुभूति रखने वाले हो, एंड मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जिनको समझ हो, वे हर छात्रों की स्थिति को समझ सकें, उसकी समस्याओं को समझ सकें, और ईमानदारी पूर्वक उनको मदद कर सकें। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन हुआ। और लास्ट है फॉर्मल थैंक्स, तो फॉर्मल थैंक्स में सिर्फ आपको लिखना है थैंक यू। इस तरह से आप प्रयास करेंगे स्पीच राइटिंग लिखने का, तो इसका फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट आया, पहले हेडिंग दीजिएगा, फिर एड्रेस टू द ऑडियंस, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, उसके बाद कंक्लूजन, और अंत में फॉर्मल थैंक्स। ये पांच जो है इस चीजों को ध्यान में रख करके लिखने पर आपका स्पीच दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा, और इसमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।